नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी, आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। यहां दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के नरकटियागंज क्षेत्र से आ रही है। इस विधानसभा चुनाव में आप निर्दलीय आइएगा या पार्टी के साथ, जेडीयू के पास भी है चेहरा, और सर और आपके पास या लोजपा के पास भी है, लेकिन सर बीजेपी का सर कौन सा चेहरा है अगर यहाँ पर देखे हम लोग तो? ऐसा है कि अभी हमारे वर्तमान में जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार ही हैं। उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है? बिहार के लिए किया, बेरोजगारी किया, जंगल राष्ट्र किया, अपहरण उद्योग चलाया, क्या नहीं किया लोगों। और वो आज की डेट में विकास की बात करते हैं, बड़े तरीके गजब। पश्चिमी चंपारण, बिल्कुल आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ये बीजेपी का गढ़ रहा है, और शुरू से रहा है, कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। और बिहार में भी खास करके 2005 के बाद से आप देखिए कि विकास का भी बात किया जाए तो पहले क्या था बिहार। और आज मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। अभी मैं विधानसभा नरगढ़ियागंज क्षेत्र में उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है हाल ही में लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, जैसे हुआ वैसे ही विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही है, और प्रत्येक भावी प्रत्याशी हैं वे अपने अपने स्तर पर मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच में आया हूँ एक भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक प्रत्याशी के पास, और खास इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपका हमारा वेब इंडिया न्यूज सर चैनल में, कि सर आप अपने मूल्यवान समय दिए। सर मैं चाहूँगा हमारी जनता को आप एक छोटा सा परिचय दें। मैं आकाश कुमार सिरमुख, भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, और जिले में चुनावी प्रबंधक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हूँ। अच्छा सर, सवाल है कि लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ, विधानसभा का चुनाव शुरू हो गया, इस विधानसभा चुनाव में आप निर्दलीय आइएगा या पार्टी के साथ? नहीं, ऐसा है कि मैं पार्टी से हूँ। मैं और सर अगर पार्टी बाय द वे टिकट अगर न दे किसी अन्य प्रत्याशी को दे सर, तब क्या कैश लगा जाए आपके साथ? फिर देखा जाएगा, कहीं कोई ऐसा बात नहीं है, लेकिन अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ में हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, और मैं भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ूंगा। सर ये डबल इंजन की है सरकार, अभी केंद्र में भी राज्य में भी। सर क्या लगता है, चूँकि एक तरफ इंडिया है और दूसरे तरफ NDA, बिहार में आप NDA के साथ आइएगा या अकेले आइएगा? देखिए, जो सुप्रीमो हैं वो अभी NDA गठबंधन में हम लोग हैं, और उसका अभी परम कर्तव्य हम लोग का है कि उसी के साथ में हम लोग हैं, क्योंकि विधानसभा भी उन्हीं के साथ में हम लोग को लड़ना है। और सर हम लोग यहाँ देखिए बिहार में खासकर तो जो भी राजनीतिज्ञ है या कयास लगा रहे हैं बिहार में जो विधानसभा क्षेत्र का जो सर जो जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें तो आपको RJD का एक चेहरा है, JDU के पास भी है चेहरा, और सर और आपके पास या लोजपा के पास भी है, लेकिन सर बीजेपी का सर कौन सा चेहरा है अगर यहाँ पर देखे हम लोग तो? ऐसा है कि अभी हमारे वर्तमान में जो है यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी हैं, और नीतीश कुमार ही रहेंगे। क्या अगर अगर बहुमत में नहीं आए तो? ऐसा कोई बात नहीं है, अभी उसके भविष्य के बारे में क्या सोचा जाए, क्योंकि अभी 2005 से हम लोग NDA गठबंधन के साथ में हैं और साथ में ही रहेंगे। सर चूँकि यहाँ पर MY की समीकरण जो है काफ़ी लोगों को फॉलो करवाया जा रहा था, खासकर RJD की बात कर, लेकिन सर कहीं ना कहीं MY समीकरण टूट गई है, क्या लगता है आपको इसका असर दिखेगा या फिर MY का समीकरण इस पर आएगा? नहीं, कहीं की बात नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी है जात की नहीं जमात की राजनीति करती है, और कभी भी हम लोग जमात की राजनीति किए हैं। हमारा जो है पश्चिमी चंपारण, बिल्कुल आपको बता दें कि पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण ये बीजेपी का गढ़ रहा है, और शुरू से रहा है, कहीं कोई ऐसा बात नहीं है। और बिहार में भी खास करके 2005 के बाद से आप देखिए कि विकास का भी बात किया जाए तो पहले क्या था बिहार, और आज की डेट में बिहार क्या है, ये आपको खुद पता लग जाएगा। पहले यही था कि हमारे नरकटियागंज से बेतिया अगर किसी को जाना हो तो 2 घंटे लगता था बाई बस, लेकिन आज की डेट में मात्र आपको 45 मिनट लगता है। सर आखिर में यह तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री को जाता है, माननीय मुख्यमंत्री का भी जाता है, और NDA गठबंधन में है तो NDA का भी है कि उसमें भी मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे, तो सबका है।
लेकिन सर अब सर हम लोग देखें क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनते रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी भी अपनी दावा करेगी, चूंकि आपके पास सीट ज़्यादा है, विधायक ज़्यादा है सर, फिर भी अगर ऐसा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन कल क्या पता है, कल एनडीए छोड़ के हमारे नीतीश कुमार जी पलटी मार दे, जो कि हम लोग आए दिन देखते रहते हैं, कभी यहाँ सुबह वहाँ से यहाँ कुर्सी के लिए, कल किसने देखा है। लेकिन सर फिलहाल उसका सर प्रबंध आए तो किया तो जाता है ना, हम जानते हैं कि बाढ़ आएगी तो उससे पहले हम लोग सतर्क हो जाए। तो ऐसा है कि अभी अभी कोई बाढ़ आने वाली नहीं है, ठीक है ना, बिहार है, बिहार जो है एक ही बातें आपको बता दिए हैं कि जितना आप बोले बताया है कि एमओआईसी समीकरण, जितना एमओआईसी समीकरण के लिए एनडीए सरकार ने काम किया है, जितना योजना लेके आया है, उतना किसी के मतलब रीजन में काम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी जी जो शिक्षकों की बहाली हुई थी ये अपने ऊपर श्रेय इसका ले रहे हैं, और जो तेजस्वी जी हैं जो आरजेडी के नेता हैं वे अपना श्रेय इस पर ले रहे हैं, क्या कहना चाहिएगा, या सिर्फ एनडीए को जाएगा या इंडिया को जाएगा? नहीं नहीं, एनडीए गठबंधन को जाएगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि जो भी मैं बाहर निकल मैं निकाला हूँ। अच्छा एक चीज बताइए, 17 महीना उनका कार्यकलाप रहा, 17 महीना में आपने देखा कि उन्हीं का शिक्षा मंत्री क्या स्टेटमेंट जारी किया, तो क्या आपको क्या लगता है कि कोई कार्यक्रम जो भी होता है तो 17 महीना में पूरा फुलफिल होता है क्या? ये प्लानिंग पहले से था, 17 महीना पहले से प्लानिंग था, और वो उसका प्लानिंग सब चीज़ था, हम ही लोग का एनडीए गठबंधन का प्लानिंग था, एनडीए का गठबंधन का सारा योजना था, बस उनका गठबंधन के साथ में सरकार बना, राजद गठबंधन के साथ में बना तो वो अपना श्रेय लेने लें, ऐसा कहीं बात में आपको याद होना चाहिए कि सदन में जब मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर खड़ा होकर बोला कि ये आपकी उपलब्धि नहीं है, आप बोलिए कि ये सरकार की उपलब्धि है, आप कैसे बोल रहे हैं? 17 महीने में कौन सा उन्होंने काम कर दिया? इसके पूर्व में आप उठा के देखिए 2005 के पहले उन्होंने बिहार के लिए क्या किया है, बिहार के लिए किया, बेरोजगारी किया, जंगल नष्ट किया, अपहरण उद्योग चलाया, क्या नहीं किया है लोगों, और वो आज की डेट में विकास की बात करते हैं, बड़े तरीके गजब। लेकिन सर यह खुद को नीतीश कुमार जी स्वयं को इनको विकास पुरुष कहा जाता है, इस पर आपकी तो क्या राय है? तो आखिर में ये है विकास पुरुष, तो आप अभी यह बात बताइए कि 2005 से पहले जो भी जंगल आज थे तो विनाश पुरुष कौन था? क्योंकि कुछ साल नीतीश कुमार, कुछ साल लालू यादव, दोनों ही लोग इस बिहार पर राज किए हैं, तो विनाश पुरुष तो आपको देखा जाए कि हम क्या बिहार की जनता से पूछे कि विनाश पुरुष कौन था? आज हम भी 97 में मैट्रिक किए हैं, 97 में मैट्रिक किए, तो उसके पहले हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि हमारे यार दोस्तों लोगों का हत्या हमारे आंख के सामने हो गया, अपहरण हो जाता था, दिन दहाड़े डकैती होता था हम लोग यहाँ के सामने, तो हम लोग कभी भी जाएंगे क्या कि जब मामला हो आपके सपनों का घर का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सबुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355। भारतीय जनता पार्टी अगर अगर सत्ता में नहीं है तो वो राजद है, कभी कोई नहीं चाहेगा, हम मेरा ही बात नहीं है, कोई बिहार की जनता जो है इनको बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि जो जिन्होंने देखा है कि शाम को 6 बजे के बाद जो घर से बाहर नहीं निकलते थे वो आज के दिन खुलेआम घूमते हैं, ये एनडीए सरकार की उपलब्धि है। सर विधानसभा का चुनाव करीब आ रहा है, एक आम जनता से क्या कहना चाहेंगे जो बदलाव को लेकर हमेशा वोट करती है, 5 साल प्रतीक्षा करती है और 5 साल वह परेशान भी रहती है? आम जनता से यही कहना है कि हमारे एनडीए सरकार जो है आप इसको बहुमत में लाइए,
विधानसभा में, और विकास का गति जो है जितना अभी देख रहे हैं उससे दुगुना विकास का गति हो जाएगा। सर आपका सर बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपका मूल्यवान समय दिए। तो ये थी ये थे भारतीय जनता पार्टी के एक्टिव मेंबर्स और भावी विधायक प्रत्याशी नरगढ़िया क्षेत्र से। इन्होंने अपनी बात को भी बाकी से रखी और काफ़ी कई मुद्दों पर बात भी की है। क्या देखते हैं कि इस विधानसभा चुनाव में किस प्रकार अपना संघर्ष करते हैं और जनता के बीच अपनी बातों को रखते हैं, इस क्षेत्र की समस्याओं को रखते हैं। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल में रईसुल आजम के, मेरा पर्सनल कलीम कुरैसी के साथ वेब इंडिया न्यूज़ अरगड़ियागंज। मैं पाठक, मैं प्रखंड कार्यालय रामनगर में कार्यरत हूँ। मैंने अपने घर का कार्य होम केयर के द्वारा कराया है, जो रामनगर के ही नारायणपुर में स्थित है। इनके द्वारा मेरे घर निर्माण में पूर्ण सहयोग किया गया है, और साथ ही साथ जो भी मटेरियल या अन्य जो चीज़ों में जो आवश्यकता होती थी उसमें भी सहायता करते थे। और मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना घर बनाइए, इनके सहयोग से इनका कार्य कराने का तरीका बहुत ही अच्छा है, और साथ ही साथ ये आप लोगों को हर जगह आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार, जब मामला हो सेहत का तो समझौता कैसा। जी हाँ, आपको सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में गुड हेल्थ क्लिनिक, जहाँ आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे उपचार की सुविधा, जहाँ कम खर्च में डॉक्टर आई आलम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहाँ जोड़ दर्द, साइटिका, चोट, सूजन एवं टूटा फूटा प्लास्टर एवं ऑपरेशन की सुविधा, बुखार, खांसी, सर्दी, निमोनिया, दम फूलना, जलन होना, पेट, छाती, गुर्दा, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट, पेशाब की थैली का उत्तम इलाज, महिलाओं के बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफ़ेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, गांठ हो जाना, बांझपन एवं पथरी के मरीज का 100% सफल इलाज। गुड हेल्थ क्लिनिक का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के नारायणपुर वार्ड नंबर 10 SN पब्लिक स्कूल के समीप।